नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, हम आप सभी के लिए नई जानकारियां एकत्रित करके लाते हैं दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आदिवासी नुस्खे। गंजापन दूर करने के साथ ही ताकत बढ़ाती है ये दाल। जी हाँ दोस्तों, आदिवासी नुस्खे हैं ये गंजापन दूर करने का, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सी दाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद होती है, इस लिहाज से हम प्रकाश डालते हैं, इस पे ध्यान देते हैं कौन सी दाल बेहतर साबित होती है गंजापन को दूर करने के लिए। उड़द के बीजों से मिलने वाली दाल भारतीय किचन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसकी खेती पूरे भारत में होती है। छिलकों वाली उड़द को काली उड़द और बगैर छिलकों वाली उड़द को सफेद उड़द के नाम से जाना जाता है। उड़द का वानस्पतिक नाम विग्ना मुंगो है। इसको एक बहुत ही पौष्टिक दाल के रूप में हम सभी जानते हैं दोस्तों। छिलकों वाली उड़द की दाल में विटामिन, खनिज लवण खूब पाए जाते हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल नगण्य मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और लौह तत्व, मैग्नीशियम, मैग्नीज जैसे तत्व आदि भी भरपूर पाए जाते हैं। यही कारण है कि आदिवासी अंचलों में इसे बतौर औषधि कई हर्बल नुस्खों में लाया जाता है। चलिए आज जानेंगे उड़द से जुड़े कुछ आदिवासी हर्बल नुस्खों के बारे में दोस्तों। नंबर वन, दुबले लोग यदि छिलके वाली उड़द दाल का सेवन करें तो यह वजन बढ़ाने में मदद करती है। अपने दोनों समय के भोजन में उड़द दाल का सेवन करने वाले लोग अक्सर वजन में तेजी से इजाफा देख सकते हैं। इसके साथ साथ उड़द के दाल का नियमित सेवन सेहत दुरुस्त करने के अलावा वजन बढ़ाने में भी सहायक साबित होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वजन बढ़ाने के साथ साथ आप सेहतमंद भी रहेंगे अगर उड़द की दाल का सेवन करते हैं आप तो। नंबर टू, छिलकों वाली उड़द की दाल को एक सूती कपड़े में लपेटकर तवे पर गर्म करें। इससे जोड़ के दर्द से परेशान व्यक्ति के दर्द वाले हिस्सों पर सिकाई करें, दर्द में तेजी से आराम मिलेगा। आदिवासी काली उड़द दाल को खाने के तेल में गर्म करते हैं और उस तेल से दर्द वाले हिस्सों की मालिश की जाती है, जिससे दर्द में तेजी से आराम मिलता है। आदिवासी मानते हैं कि इसी तेल को लकवे से ग्रस्त व्यक्ति को लकवे वाले शारीरिक अंगों में मालिश करनी चाहिए, फायदा होता है। नंबर थ्री, फोड़े फुंसियों, घाव और पके हुए जख्मों पर उड़द के आटे की पट्टी बांधनी चाहिए। दिन में 3-4 बार ऐसा करने से आराम मिल जाता है दोस्तों। नंबर फोर, डांग, गुजरात के आदिवासियों के अनुसार गंजेपन को दूर करने के लिए उड़द की दाल एक अच्छा उपाय है दोस्तों। दाल को उबालकर पीस लें और इसका लेप रात में सोने के पहले सिर पर लगाएं। इसे लगाने से गंजापन धीरे धीरे दूर होने लगता है और नए बालों के आने की शुरुआत हो जाती है। नंबर पाँच, जिन लोगों को अपचन की शिकायत हो या बवासीर जैसी समस्याएं हो, उन्हें उड़द की दाल का सेवन अक्सर करना चाहिए। इसके सेवन से पेट साफ हो जाता है दोस्तों। नंबर छः, उड़द की बिना छिलके की दाल। जी हाँ, उड़द की बिना छिलके की दाल को रात को दूध में भिगो दें, सुबह इसे बारीक पीस लें। इसके बाद कुछ बूंदे नींबू के रस और शहद की डालकर चेहरे पर लेप करें। 1 घंटे बाद इसे धो लें। ऐसा लगातार कुछ दिनों तक करते रहने से चेहरे के मुहासे और दाग दूर हो जाते हैं और चेहरे पर नई चमक आ जाती है दोस्तों। नंबर सात, आदिवासियों के अनुसार पुरुषों में शक्ति और यौवन बनाए रखने के लिए उड़द एक बेहतर उपाय है। यही कारण है कि इसके पानी के सेवन की सलाह दी जाती है। यह भी माना जाता है कि इसकी दाल पकाकर
रोजाना खाना चाहिए दोस्तों। पोटेशियम की अधिकता की वजह से आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मर्दाना शक्ति बढ़ाने वाला मानते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आज हमने कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जाना कि उड़द की दाल किस प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। तो अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।